नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के उत्थान मंच में, जहां आज उत्तरायणी को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो शोभा यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जो शोभा यात्रा है वो यहां से प्रस्थान करने वाली है, जो हल्द्वानी के अलग अलग मार्गों पर चलेगी और जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसने तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। आज हल्द्वानी में रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं और मैं आपको बताऊँ, दो साल बाद का भव्य नजारा हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड एक बेहद ही पवित्र और मान्यताओं वाला ये त्योहार है उत्तरायणी, जिसको लेकर दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उत्थान मंच में 8 तारीख से ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रात को स्टार नाइट जो है अलग कलाकार यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ जो रैली है वो निकाली जा रही है। जो महिलाएं हैं वो पहाड़ी गेट में इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे पीछे महिलाएं देख सकती हैं कि जो महिलाएं हैं वो पहाड़ी गेटअप पे मौजूद हैं, जो इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। कुछ ही देर में ये जो यात्रा है वो यहाँ से निकलने वाली है, जो हल्द्वानी के अलग अलग मार्गों पर भ्रमण करेगी। भीड़ आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। हल्द्वानी के अलावा और भी जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उत्तरायणी जो है वो उत्तराखंड का बेहद ही मान्यताओं वाला त्यौहार माना जाता है, जिसको लेकर उत्साह लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के जो लोग हैं वो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ ही देर में यात्रा जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग पूरे तैयार हैं, महिलाएं पूरे पहाड़ी परिधान में यहाँ पे मौजूद हैं और इसके आगे की जो भी यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी जेजेएन आपके बीच लाता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरीश रावत जी, इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से दो साल बाद हल्द्वानी में इतना भव्य मेला लगा है, क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये जो मेला है वो काम करता है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड की संस्कृति तो हमेशा बड़े ऊंचे पायदान में है, बस सिर्फ हमको अपना जुड़ाव उसके साथ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके ध्वजवाहक भी हैं और हम उसके एक प्रकार से टहलुए भी हैं, उसके हम चौकीदार हैं उसके जो है, तो हमको ठीक से मुस्तैदी से चौकीदारी करनी चाहिए। और हमारा जो है पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच, ये चौकीदारी बेहतर तरीके से कर रहा है, उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।